प्रदेश में बढ़ते कोरोना के ग्राफ को देखते हुए शासन के निर्देश पर बुधवार को जिला प्रशासन ने अभियान चलाकर बिना मास्क के घूम रहे लोगों का चालान किया तथा जुर्माना भी वसूला था, लेकिन गुरुवार को प्रशासन की सख्ती का कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिला। आपको बता दें कि गुरुवार को लोग बिना मास्क के घूमते नजर आए, वहीं कुछ मास्क लगाए नागरिकों से बात करने पर उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक होना चाहिए तथा बहुत आवश्यकता पर ही घर से मास्क लगाकर निकलना चाहिए, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय समय पर हाथ धोएं तथा सैनिटाइजर का प्रयोग करें एवं बहुत ही आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकलें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मास्क लगाए नागरिकों ने कहा। राजकिशोर गुप्ता। कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, जी सर, कोरोना बढ़ रहा है, कृपया सभी जनता से अपील है कि मास्क लगा के चले, देश को सुरक्षित रखे। राजेश कुमार सिंह। सर, कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, देख रहे हैं डेली मरीजों की संख्या बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? हम कहना यही चाहेंगे कि कोरोना बढ़ रहा है तो अपने कोरोना से बचने के लिए अपने हाथ में मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सार्वजनिक स्थान पर जाने से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अति आवश्यक हो तो घर से बाहर निकलें जिससे उनके जीवन की सुरक्षा हो सके। इस समय टीकाकरण भी हो रहा है जगह जगह, वहाँ संपर्क करके टीका भी लगवाने का कार्य करें। अरविंद कुमार। लोगों को जागरूक होना चाहिए, हर आदमी को मास्क लगाने चाहिए, हर समय जहाँ भी खाना पीना खाएँ, कहीं भी जाएं, दूरी बना के रखें, हाथ पैर धोएं, हर समय घर में सुरक्षित रहें, साफ रहें, घर से तभी निकलें जब बहुत आवश्यक कार्य हो, भीड़ भाड़ से बचें।